हे दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को मिट्टी से इस सरस्वती माता का मूर्ति को बना के दिखाया था और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था ये जो मूर्ति है इसको पेंट करके दिखाने का। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में इस मूर्ति को मैं पेंट करके दिखाऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, आज की इस वीडियो में मैं जो कलर यूज करूंगा उसका भी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ताकि आप भी कलर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जान सके एंड आपकी जो मूर्ति है उसमें भी अच्छे से पेंट कर सके। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में खो जाएंगे और बाद में लाइक करना भूल जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देखा था कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को मैंने सबसे पहले क्या किया था, पूरा वाइट कलर से पेंट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं जो व्हाइट कलर यूज़ किया था वो था एशियन पेंट्स का वाइट पेंट, जो कि है वाटर बेस्ड पेंट। तो ऐसे ही आप भी कोई भी वाटर बेस्ड कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स कलर हो गया, या फिर एक्रेलिक कलर हो गया, या फिर फैब्रिक कलर हो गया। मतलब मैं आज की ये जो मूर्ति है ना, इसको मैं जो पेंट करूँगा ये वाटर बेस्ड पेंट है, तो इसीलिए मैं जो भी कलर यूज़ करूँगा वो सब वाटर बेस्ड कलर ही होगा। लेकिन आप अगर आपके मूर्ति में ऑयल बेस्ड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप जो भी कलर यूज़ करिए उसमें ऑयल बेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो आज यूज़ करूँगा वाटर बेस कलर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने वाइट कलर दे दिया था, उसके बाद देखिए जो सरस्वती माता का जो स्किन टोन है उसको मैंने दे दिया था। तो स्किन टोन बनाया था वाइट, येलो और ऑरेंज कलर का मिक्स करके। एंड उसके बाद जो सरस्वती माता का साड़ी और ब्लाउज का कलर है उसको मैंने दे दिया रेड कलर से साड़ी, और जो ग्रीन कलर है उससे मैंने ब्लाउज का कलर दे दिया। अब उसके बाद देखिए, ये जो अभी मैं बालों को कलर कर रहा हूँ ना, तो ये है ब्लैक कलर, लेकिन ये जो कलर है ये फैब्रिक का ब्लैक कलर है। फैब्रिक का कलर का एक खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ग्लेज करता है, बिल्कुल ऑयल पेंट जैसा। तो इसीलिए मैं जो बाल है इसको मैंने वही फैब्रिक कलर से पेंट कर दिया, ताकि अच्छे से बाल शाइन करें। तो ये देखिए, अभी मैं साड़ी का जो पार है तो उसको देखिए मैं अभी पेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, तो ये है पर्शियन ब्लू कलर। तो गाइस, ये जो सरस्वती माता का मूर्ति मैं आज आपको पेंट करके दिखा रहा हूँ, इसका जो पार्ट वन वाला वीडियो है, आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह से आप मिट्टी से ऐसा एक सरस्वती मूर्ति बना सकते हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड ऊपर आई बटन में दे रखा है। तो गाइस देखिए, जो हाँस है, हाँस को मैंने दोबारा से वाइट कलर दे दिया है, और जो सरस्वती का जो बीना है ना, बीना में भी मैं एक बार फिर से जो ब्राउन कलर है ना वो दे दिया है, लेकिन इस बार जो कलर है वो है फैब्रिक का ब्राउन कलर, ताकि जो बीना है वो थोड़ा सा ग्लेज हो सके, शाइन हो सके। और अभी जो ये मैं दे रहा हूँ ना, ये शेडिंग है, ठीक है, मतलब जो शेडो होता है ना आँख के नीचे, गले में, चिन के नीचे, जो डीप टोन होता है स्किन का, तो वो मैं दे रहा हूँ। मैंने एक सूखा ब्रश ले लिया था और उसको जो पाउडर कलर है यानी कि फ्लोरेशन कलर, उसको मैं अच्छे से जो शेड है उसको मैं कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको शेडिंग करना है। एंड उसके बाद देखिए, सरस्वती माता का जो आँख है, आँख को अच्छे से पेंट करना है, यानी कि फेस को अच्छे से पेंट करना है। तो ये जो फेस मैं पेंट कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फैब्रिक कलर, जो कि शाइनिंग कलर है, अच्छे से ग्लेज करता है। तो उस कलर को मैं देखिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया फेस को पेंट करना। अब फेस को पेंट करने के बाद सरस्वती माता का जो उंगली है, उंगली में जो नेल पॉलिश है उसको देखिए मैं दे दिया। एंड उसके बाद ये है डाक, डाक का जो चोंच है, चोंच में देखिए ये है ऑरेंज कलर, ठीक है। अब ये कलर भी फैब्रिक कलर का कलर है, ताकि जो चोंच है वो भी थोड़ा शाइनिंग कर सके, इसीलिए मैं यहाँ पे भी दे दिया फैब्रिक कलर। और जो डार्क है, डार्क के पूरे बॉडी में मैं शेडिंग कर दिया येलो कलर से, और ये भी वो पाउडर कलर यानी कि डस्ट कलर है उससे मैं शेडिंग कर दिया। तो ये देखिए, ये है ऑब्रो, ठीक है, रेड कलर का ऑब्रो। इस ऑब्रो के साथ में एरोट का जो गम है उसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, ताकि मैं इस ऑब्रो को साड़ी में लगा सकूँ,
तो गैस ये जो ओबरों के अंदर जो मैं गम यूज़ किया ना उसको कहते हैं एरारूट। ये एक टाइप का खाने का चीज़ है, उसको मैंने पानी से मिला के थोड़ा सा गर्म कर लिया है तो एक तरह का गम बन गया। लेकिन आप इसके जगह पे कोई भी गम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका वो जो गम है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि वो जो गम है उसका कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए, ताकि जब आप वो ओबरे के अंदर मिलाएंगे तब आपको जो वो ओबरो है उस ओबरो के कलर में बिल्कुल भी चेंज ना आए। तो इसलिए आप कोई भी ट्रांसपेरेंट गम यूज़ कर सकते हैं। तो गैस देखिए साड़ी में मैंने ओबरो दे दिया एंड उसके बाद पीछे का जो डिज़ाइन है यानी कि चाली चाली में मैंने डीप ग्रीन कलर दे दिया है, बाद में उसको डिज़ाइन करूँगा। तो अभी देखिए फैब्रिक कलर से मैं सरस्वती माता का जो बीना है एंड साड़ी है इसको देखिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। डिज़ाइन होने के बाद साड़ी का जो पार है ठीक है उसको देखिए मैं ये जो है येलो कलर फैब्रिक का, तो इस येलो कलर से मैं बहुत ही सिंपल तरह से कुछ डिज़ाइन कर दूंगा साड़ी में, बहुत ही छोटा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिज़ाइन नहीं करूंगा, मतलब हल्का हल्का मैं डिज़ाइन कर दूंगा। तो ये देखिए डिज़ाइन तो हो गया। अब ये जो सरस्वती का पीछे जो चाली है यानी कि डिज़ाइन है उसको देखिए मैं फैब्रिक कलर से इस डिज़ाइन को मैं बहुत ही स्लोली और धीरे धीरे मैं अच्छे से पेंट कर रहा हूँ, ताकि जो कलर है वो अंदर ना जाए सिर्फ ऊपर ही रहे। तो उसके बाद देखिए येलो कलर एंड ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर, ये तीनों कलर से मैं ये जो पीछे का जो डिज़ाइन है इसको मैं अच्छे से पेंट कर दिया एंड उसके बाद अभी हमको बाकी रहेगा ये ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में मैं दे दिया गोल्डन कलर, ये कलर आपको कोई भी पेंट शॉप में मिल जाएगा। तो ये देखिए ये मैं दे दिया गोल्डन कलर, ये देने के बाद हमारा जो मूर्ति ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सो गैस कैसा लगा आप लोगों को आज की ये सरस्वती मूर्ति पेंट करना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने अभी तक इसका जो पार्ट वन है यानी कि मिट्टी से जो मूर्ति बनाना ये आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर वो वीडियो दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये वीडियो को ज़रूर देखिए। सो गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए क्ले स्कल्पचिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।